हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये क्रोटन का प्लांट, तो क्रोटन के बारे में सभी लोगों का सवाल है कि क्रोटन के पौधे की केयर कैसे की जाती है और किस तरह से इसको ग्रो करते हैं। तो चलो आज के वीडियो में आपको जानकारी देती हूँ। सबसे पहले क्रोटन के प्लांट को आपको, अगर आप ग्राउंड पे ज़मीन पे इसको लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पौधा ज़मीन पे लगा हुआ है और इसकी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हुई है। पॉट में भी इसको लगाते तो इसकी अच्छी सी ग्रोथ भी हो जाती है, पर इसको वाटरिंग ज़्यादा आपको नहीं करनी है। सबसे पहले इसके आप जैसी प्रूनिंग करते हैं, ज़्यादा प्रूनिंग करते तो ये अभी ज़्यादा घना बन जाता है, तो और हरा और इसके जो लीव्स होते हैं उस पर येल्लो कलर के स्पॉट रहते हैं। येल्लो स्पॉटेड क्रोटन का प्लांट है, काफ़ी घना ज़मीन के अंदर आप इसको लगाते, मतलब ज़मीन पे लगाते तो ये काफ़ी घना हो जाता है और नए नए ब्रांचेस इसकी ग्रो हो जाती है। दोस्तों इसकी कटिंग नहीं उगाई जाती, इसकी कटिंग नहीं लगती है, आपको सीधा इसका प्लांट लाना पड़ता है परचेस करके नर्सरी से, तभी आप इसका प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मैंने भी ट्राई किया था पर इसकी कटिंग ग्रो नहीं होती है। तो इसी तरह से आपको इसको लगाना है परचेस करके, तो पौधा बहुत घना बन जाता है। और कई क्वेरीज रहती है कि जो पत्ते लूज है, फॉल्स हो जाते हैं, नीचे गिर जाते बहुत सारे, तो आपको जब आपके पत्ते निकल जाते तो धूप की वजह से, बिल्कुल ये प्लांट धूप में रहता है पर वाटरिंग कम होने के कारण, या तो आप उसके लीव्स को, पत्ते को साफ नहीं करते, स्प्रे नहीं करते लीव्स के ऊपर, इसकी वजह से पत्ते भी फॉल हो सकते हैं। इसके लिए आप इसको अच्छे से साफ सफाई रखें और पानी भी दें ताकि ये अच्छे से ग्रो हो जाए। अगर आपने क्रोटन प्लांट पौधे मतलब पॉट में लगाया है तो आपको इसको बड़ा पॉट लगाना है, ज़्यादातर अच्छा होगा मिट्टी का पॉट आप यूज़ करते हैं तो वो भी अच्छा होगा, इसकी ग्रोथ हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों इतना ही आपको करना है। अगर बैक्टीरिया इसमें ऊपर बैठ गया तो इसको आप हल्दी का स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी आपका प्लांट और लूज हेल्दी रह सकते हैं। अगर इतना भी करके आपका प्लांट खराब भी हो रहा है, ग्रोथ नहीं होती, तो आप इसकी मिट्टी तुरंत चेंज करें, पूरा प्लांट निकाल कर नई मिट्टी, फर्टिलाइजर मिट्टी ऐड कर कर आप इसको पॉट में। कि नींबू का प्लांट है तो अभी नींबू का सीज़न नहीं है, जून जुलाई में नींबू का मतलब जो प्लांट है फल देना चालू करता है, तो इसको ज़्यादा फल नहीं है, पर इस प्लांट की केयर और प्रोपोगेशन कैसे करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको नींबू ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी सीज़न चालू नहीं हुआ है। जब सीज़न इसका जून जुलाई में स्टार्ट होगा तभी छोटे छोटे नींबू यहाँ पे स्टार्ट होगे प्लांट को और इसकी ग्रोथ भी हो जाएगी। तो इसका सीज़न मंथ जो रहता है प्योर जून रहता है, जून या जुलाई, सारे फल मतलब ये देता है ज़्यादा। तो दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको नींबू का प्लांट पॉट में या तो ज़मीन पे लगाना है तो आप इसकी जो ब्रांच रहती है नीचे की, आपको थोड़ी सी भूनी कलर की, ब्राउन कलर की ब्रांच लेना है, प्योर आपको ग्रीन कलर की ब्रांच नहीं लेना है, क्योंकि मैच्योर ब्रांच नहीं रहते, आपको थोड़ी भूनी कलर की ब्रांच कट कर लेना है और उसको आपको एलोवेरा में डिप करके मिट्टी में कोकोपीट ऐड करके इसको लगाना है। ये ग्रो हो जाती है 1.5 मंथ में। अगर आपके पास ये भी नहीं, मतलब ये आपको करना नहीं, तो दूसरा एक आपको मैं उपाय बताने वाली हूँ वो भी है। आपको नींबू का प्लांट ग्रो करना होगा तो आपको इसकी ब्रांच कट करके टिश्यू पेपर को थोड़ा पानी में डिप करके इसके स्टिक मतलब जो ब्रांच रहती है उसको कवर करके आपको मिट्टी में इसको लगाना है और पानी देना, वाटरिंग करना, इससे भी ये अच्छे से ग्रो हो जाता है प्लांट। घर पे आप छोटे पॉट में भी नींबू का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आजकल नर्सरी में भी बहुत सारे नींबू के प्लांट रहते हैं जिसकी हाइट कम रहती है और फल ज़्यादा देते हैं। अगर आप खेती में जो प्लांट है या तो रहते हैं गाँव में प्लांट, उसकी ब्रांच कट करके लगा सकते हैं, वो भी आपके अच्छे से ग्रो हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप नींबू का प्लांट लगा सकते हैं। दूसरी बात, नींबू की अगर आप कटिंग करते हैं, प्रूनिंग इसकी भी रहती है, कटिंग करते हैं तो ये अच्छे से और ग्रो हो जाता है और फल भी ज़्यादा देता है। इसकी ग्रोथ नीचे ही होती है और फल बहुत घना देता है और स्प्रेड भी हो जाता है प्लांट। इस तरह से आप इसकी केयर कर सकते हैं प्रॉपर। यहाँ पे आप जो प्लांट देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रह्मा कमल का प्लांट है। तो ब्रह्मा कमल उगाने में बहुत आसान रहता है, आपको तो पता ही होगा कि ब्रह्मा कमल पत्ते से भी उगाया जाता है। इसका कुछ खास नहीं है कि जो पौधा चाहिए होता है, कटिंग चाहिए होती, कुछ नहीं, आप एक भी पत्ता कट करते तो ये ग्रो हो जाता है आसानी से।
और ब्रह्मा कमल को ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत भी नहीं रहती है, ये अच्छे से ग्रो हो जाता है, मिट्टी भी कौन सी भी इसको चल जाती है, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैंने भी ये जो पत्ता है अभी 1 महीना हो गया इसको लगाया था, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया। आप देख सकते हैं एक ही पत्ते को 2 पत्ते आए छोटे छोटे, बहुत जल्दी ये ग्रो हो गया और एक भी छोटा इसको पत्ता आ रहा है ऊपर की तरफ से। अभी ये छोटा है, दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे मैंने स्टिक लगाई, बिकॉज़ ये जो पत्ता है वो नीचे के साइड में झुक रहा था, स्ट्रेट रहे, इसलिए मैंने इसको एक पत्ता लगाया। जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप इसे डोरी की सहायता से इसे बांध सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से सीधा ऊपर ग्रो हो जाता है और फूल भी अच्छे से इसके खिल जाते हैं। तो दोस्तों ब्रह्मा कमल की जा केयर करते हैं तो जैसे कि आपका पत्ता पीला पड़ता होगा तो आपको ज़्यादा वाटरिंग इसको नहीं करनी है, वाटर थोड़ा कम डालना है ताकि पत्ता फिर से ग्रीन हो जाए। और आपके जो पत्ते को मतलब छोटे छोटे लीव्स नहीं आते, ग्रो नहीं होता है आसानी से, तो पानी कम डालिए इसको, पत्ते निकल आते हैं ऑटोमेटिक। जो इसको छोटे छोटे पत्ते आते हैं, अगर ये शाइन करते हैं तो वो पत्ता रहता है, अगर छोटे पत्ते जैसा आता है तो वो फूल रहता है। आपको समझ में आया होगा, जो यहाँ पे आप पत्ते देख रहे हैं कितने शाइन करते हैं, छोटे छोटे बेबी पत्ते, और जो आता है थोड़ा सा ब्लैकिश रहता है हेड में गोल्डन, तो ये फूल रहता है। तो इसके ग्रोथ के कटिंग के बारे में, प्रोपोगेशन के बारे में आपको बताती हूँ। इसके आप जो प्लांट रहता है इसका पत्ता आप कट करके लगा सकते हैं। हाँ, पत्ता भी इसका ग्रो हो जाता है नीचे के साइड से, आपको लगाना है मिट्टी में, यह आसानी से ग्रो हो जाता है। दूसरी बात, पत्ते को आपको डेली वीक में 2 बार स्प्रे करना है ताकि आपका पत्ता अच्छे से ग्रो हो जाए, कुछ बैक्टीरिया फंगस उस पर नहीं बैठता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ब्रह्म कमल ये आउटडोर प्लांट है, इसे इंडोर में आपको बिल्कुल रखना नहीं, क्योंकि आउटडोर में इसको कड़ी धूप चाहिए होती है, जितनी धूप इसको मिलती है उतना ही अच्छे तरह से ग्रो हो जाता है। कम वाटरिंग और कड़ी धूप इसको मिलेगी तो ये अच्छे से ग्रोथ होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।